हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ उमा। आज का ये जो वीडियो है ये मैं कोलैब बना रही हूँ। मैं जिनके साथ कोलैब कर रही हूँ वो है सुपर मॉम प्रियंका, जिनका चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप इनको जरूर चेक कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है, एक हाउसवाइफ है और साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्चे की मॉम भी है। और आज का ये जो वीडियो है ये है ब्यूटी एंड स्किन और हेयर केयर हैक्स फॉर होली। सो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होली आने वाली है, मैं इसको खोल कर रखती हूँ। होली जो है आने वाली है, तो होली को बहुत अच्छे से एंजॉय करने से पहले आप कुछ कुछ प्रिकॉशंस तो जरूर लेंगे, लेना भी चाहिए। तो वो सब सारे चीज क्या क्या होंगे मैं आपको बताऊंगी। होली से एक हफ्ते पहले आप वैक्सिंग, फेशियल और ब्लीच मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो है, आप सुबह को उठ के अच्छे से खाना पीना कर लीजिएगा, पानी बहुत पीजिएगा। तो सुबह को उठ के आप पहले अपने हेयर्स को ऑयलिंग कीजिएगा, कोकोनट ऑयल, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी ऑयल यूज कर सकते। नेक्स्ट जो है, होली के टाइम पे आप धूप में खेलोगे, पानी में खेलोगे, धूप में ज्यादातर रहोगे, तो उससे पहले तो आपको अपने पूरे बॉडी पे, अपने फेस पे आपको अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा। अगर ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग बहुत सारा सेल्फीज फोटोज लेंगे, तो ऑयल अगर आपको नहीं लगाना है तो आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, ये है लोटस का कोको बटर, कोको मॉइस्ट। ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसको करीब 7-8 महीने से यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ आपको जो यूज करना है वो है सनस्क्रीन। एक सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप होली के दिन ज्यादातर धूप में खेलोगे, खाओगे, पियोगे, सब कुछ धूप में ही होता है, तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है लोटस का सनस्क्रीन, ये SPF 30 है, आप चाहे तो 40 वाला भी यूज कर सकते हैं। ये 30 वाला थोड़ा सा ऑयली वाला है और 40 वाला जो है, SPF 40 जो है वो थोड़ा मैट के ऊपर है। तो मेकअप जितना कम हो सके उतना कम लगाइए, लिप बाम जरूर लगाइएगा। अगर लिप बाम नहीं लगाना है तो आप लिपस्टिक लगा सकते हैं जो मैट होगा। मैट लगाना है क्योंकि आप पानी में खेलोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा बाम, बट उससे पहले जरूर आप लिप बाम लगाइएगा। नेक्स्ट आता है आपके नेल्स, हाथों की बारी। हाथों में आप अगर आप फुल स्लीव पहन रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं होती सनस्क्रीन की, बट आप अगर हाफ स्लीव्स और स्लीवलेस पहन रहे हो तो आपको अच्छी एक क्वांटिटी का सनस्क्रीन जरूर लगाना है, और आप ऑयल भी लगा सकते हो। अगर आपके लंबे नेल्स हैं तो आप उस ट्रिम कर लीजिएगा, क्योंकि नेल्स के यहाँ पे बीच में रंग आ जाता है, तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो यहाँ पे ज़रूर आप ट्रिम कर लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा भी रहता है, इतना भी रहता है, तो आप यहाँ पे वैसलीन, और यहाँ पे मेरा है इमामी का वैसो केयर, आप इसको यहाँ पे लगा लीजिएगा ये बीच में, और अपने क्यूटिकल्स में भी लगा लीजिएगा, अच्छा होता है। और नेल्स के लिए जो है, आप डार्क कलर की कोई भी नेल पॉलिश लगाइएगा, ये बहुत अच्छा होता है, उसमें क्या होता है नेल्स में रंग नहीं चढ़ता। अब बारी है अपनी ड्रेस की। ड्रेस आप कोई सा भी पहन सकते हैं, कोई सा भी कलर का। व्हाइट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कलर्स लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है व्हाइट, नहीं तो आप लाइट पिंक लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। सो और आप ना जीन्स अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो गीला होने के बाद और ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप या तो कॉटन का, या तो वो शैटिनी फिनिश होता है ना, वैसा कुछ पहनेगा, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। कोशिश कीजिएगा कि फुल स्लीव या तो थ्री क्वार्टर्स जो स्लीव्स होते हैं ना, वैसे पहनने का। और आप होली के दिन अब जरूर अपना सारे ज्वेलरीज जो आपका सारे ज्वेलरीज जो है, जैसे इयररिंग्स, रिंग्स, और ये तो मैं नहीं खोल पाऊंगी तो ये रहने दीजिए, अगर आपकी चूड़ियां हो तो उसको खोल के जरूर जाइएगा। देन आता है बालों की बारी। बाल अगर आपके लंबे होते हैं तो आप उसको जरूर टाई कर लीजिएगा, आप चाहे तो हाई बन या हाई पोनीटेल करके उसको बांध लीजिएगा, या तो आप ब्रेडिंग कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और बहुत ज़्यादा इजी भी होगा। और आप चाहे तो ऐसे कलरफुल स्कर्फ भी यूज कर सकते हैं अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया बिफोर होली, एंड होली से थोड़ी टाइम पहले आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या कर सकते हो,
क्या क्या करना चाहिए। तो अब बारी है होली के बाद आपको क्या क्या करना है, जो आपको बताएगी प्रियंका। तो देख लेते हैं वो क्या बताती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक इंडियन मॉम हूँ और मेरे चैनल का नाम है सुपर मॉम प्रियंका। और मेरा चैनल बेसिकली है DIY, डेली ब्लॉग्स मैं बनाती हूँ। उसमें आपको ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, कुकिंग रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, बेबी केयर के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे और मेकअप ट्यूटोरियल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे और मेकअप वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को रिलेटेड चैनल है। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो उमा मेरे चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जरूर इसे चेक कर दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं उमा के साथ कोलैबोरेशन कर रही हूँ और कोलैबोरेशन में मैं आफ्टर होली आप कैसे अपने स्किन, बॉडी और हेयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं टिप्स देने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। होली खेल के आने के बाद हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे स्किन से रंग नहीं जाता है और हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, हम अपने स्किन को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। मैं आपको कुछ पैक्स बताऊँगी जिससे कि आप उसे अप्लाई करने के बाद आपके स्किन का जो कलर है वो ईजिली निकल जाएगा, जो होली का कलर आपके स्किन में लगा है वो ईजिली निकल जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। और मैं 5 टिप्स जो बता रही हूँ वो बहुत ही असरदार है और मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ जब भी मैं कभी होली खेलने के लिए जाती हूँ और गहरा रंग लग जाता है। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि होली के रंग अगर आपके लग जाता है तो पेशेंस रखिए कि रंग अगर एक बारी में नहीं निकलता है तो 1-2 दिन के अंदर ज़रूर निकल जाएगा। बट उसे आप अपने स्किन को हार्म ना कीजिए, ज़्यादा रगड़िए मत, क्योंकि इससे स्किन ख़राब हो जाती है और स्किन में बहुत सारे रैशेज निकल जाते हैं। तो पहला टिप्स है जैतून का तेल। चेहरे पर होली का रंग हटाने के लिए कुछ थोड़ी सी सावधानी बरतें। कलर हटाते हुए जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। चेहरे पर तेल लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद धो लें। तो दूसरा टिप्स है होली खेलने के बाद 5 से 10 मिनट बहते हुए पानी के नीचे खड़े हो जाए और इस बात का ध्यान रखें कि आप स्किन को रगड़े नहीं। बॉडी पर लिक्विड साबुन का इस्तेमाल करें। अगर उससे रंग ना निकले तो आप एक पैक का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा नींबू का रस, दही और चंदन। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और अपने चेहरे पर लगा लें। जब ये सूख जाए तो हल्के हाथों से मसाज करके इसे निकाल लें। इससे आपका स्किन मॉइस्चराइज, इसके इस्तेमाल से भी होली का कलर निकलने में सहायता मिलती है। तो तीसरा पैक है मैदा और हल्दी का मिक्सचर। मैदे को 4 से 5 बड़े चम्मच लीजिए और हल्दी को 1 चम्मच लीजिए। उन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और अच्छे से अपने बॉडी और फेस पर लगा लीजिए। कुछ देर तक इसे रखिए और दूध की सहायता से इसे रगड़ रगड़ के निकाल लीजिए। तो फोर्थ टिप्स है एलोवेरा जेल पैक। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है तो आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच दही मिलाकर इस पैक को चेहरे पर 20 मिनट तक रख ले और उसके बाद जब ये हल्का सूख जाए तो इसे सर्कुलर मोशन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मुंह का मसाज कीजिए, उसके बाद इसे निकाल लीजिए। इससे भी आपका स्किन हाइड्रेटेड होगा, आपका स्किन मॉइस्चराइज होगा और साथ ही साथ कलर निकलने में भी सहायता मिलेगी। तो पांचवा टिप्स है बालों के लिए। अगर आपके बालों में रंग लग जाता है तो आप गेंदे के फूल का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयली हेयर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। गेंदे के फूल को आप 3 कप उबलते पानी में डालें और पानी को ठंडा होने के लिए रख दें। शैम्पू होने के बाद इससे बालों को अच्छे से धो लें। इससे बाल कंडीशन हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बालों में जो हार्मफुल केमिकल्स लगे हैं रंग में कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो आप ये पांचों टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को और सुपर मॉम प्रियंका की चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टाटा।